खबरें अभी तक पर आपका स्वागत है और मैं अनामिका पांडे हाजिर हूं खबरें अभी तक की बेहद ही खास पेशकश एमएलए हो तो ऐसा के जूरी राउंड में। जुलाना हलके के पहले राउंड में टॉप 12 में से टॉप 6 उम्मीदवार चुने गए, जिन्हें अब हमारी जूरी का सामना करते हुए खुद को रखना होगा कसौटी पर और फिर इन्हीं टॉप 6 में से चुना जाएगा जुलाना का सबसे बेहतर उम्मीदवार। वैसे हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मौजूदा सियासी तंत्र में बदलाव तभी संभव है जब नेतृत्व बदले, स्वच्छ छवि और कुशल नेता सामने आए। एमएलए हो तो ऐसा कार्यक्रम ऐसी ही एक कोशिश है जिसकी सफलता जनता की भागीदारी से ही मुमकिन है। इसके तहत प्रदेश के सभी हलकों से एक के बाद एक सबसे बेहतरीन उम्मीदवार चुनने का खबरें अभी तक का सिलसिला लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश एक ऐसा नेता तलाशने की होगी जिसे जनता वाकई में कहेगी भाई एमएलए हो तो ऐसा। तो चलिए अपने और आपके कीमती वक्त की कद्र करते हुए शुरू करते हैं अपने खास अंदाज के इस खास शो का दूसरा राउंड, जिसके तहत आपकी मुलाकात कराते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्रों के माहिर जूरी के सदस्यों से। आप केस मलिक हैं, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर। अजय झा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। एसपी गुप्ता जी, आप रिटायर्ड आईएएस हैं। दीपक अरोड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और आप हैं आर के आहूजा जी, आप प्रोफेसर हैं। और अब आपको मिलवाते हैं इस शो के विश्लेषक और जज से, आप हैं अनिल आर्य जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा में। मिलवाने का जो जुलाना हलके के पहले राउंड को पार कर दूसरे राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन उससे पहले हम टॉप 6 में जगह बनाने वाले सभी उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि जूरी राउंड में जगह बनाने के बाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्राथमिकता दें और ये ध्यान रखें कि प्रदेश की राजनीति को बदलने का एक संजीदा कार्यक्रम है। बिल्कुल अनामिका, और जो लोग टॉप 6 में जगह बनाने के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनते हैं, यहाँ नहीं आते हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग अपने वायदे के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही वो जनता के सामने आने से बचना चाहते हैं, और जो नेता ऐसा करते हैं इसका मतलब या तो उनमें खुद में कोई कमी है या वो कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचते, और ऐसे में अगले चुनाव में उन नेताओं को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जी जय साहब, आज भी एक उम्मीदवार नहीं पहुंचे। बहरहाल चलिए मिलते हैं हमारे टॉप 6 के उम्मीदवारों से। जैसा कि अनिल जी ने बताया, शुरुआत करते हैं हमारे जो पहले उम्मीदवार हैं प्रवीण सिहाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप 6 में। आइए आपका स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं। दो स्क्रीनिंग राउंड में आपने 10 मापदंडों के आधार पर 56 अंक हासिल किए, छवि एवं साख में 12 और इस तरीके से कुल 68 रन बटोरते हुए आप टॉप 6 में शामिल हैं। दूसरे उम्मीदवार जो टॉप 6 तक पहुंचे हैं वो हैं सत्यनारायण लाठर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब आइए आपके स्कोर कार्ड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 10 मापदंडों के आधार पर पहली स्क्रीनिंग में आपने हासिल किए 57 अंक, छवि व साख में 18 अंक मिले हैं, इस तरह से कुल 75 अंकों के साथ आप टॉप 6 तक पहुँचने में कामयाब रहे। और आप हैं स्वामी राधेश्याम शर्मा, आपको भी बधाई टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। एक नजर आपके स्कोर कार्ड पर भी, पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर आपको 59 अंक मिले हैं, छवि और साख में 17 अंक हासिल किए हैं आपने और इस तरह से कुल 76 अंक बटोरते हुए आप टॉप 6 के इन बाकी के 5 सदस्यों के साथ बैठे हैं।
और आप हैं डॉक्टर स्नेहलता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही बहुत बधाई भी आपको टॉप सिक्स तक पहुंचने के लिए। आपका स्कोर कार्ड भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं। पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों का योग आपका 66 अंकों का रहा, छवि और साख में 11 अंक हासिल किए हैं आपने, कुल 77 अंक लेकर आप टॉप सिक्स तक पहुंची हैं। और आप हैं जगबीर सिंह ढिगाणा, बहुत स्वागत है आपका भी, साथ ही मुबारकबाद टॉप सिक्स तक पहुंचने के लिए। आपका स्कोर कार्ड भी अपने दर्शकों को दिखाए। पहले स्क्रीनिंग में आपको 60 अंक हासिल हुए हैं 10 मापदंडों के आधार पर, ये योग है उसका, छवि और साथ में 16 अंक मिले आपको, कुल 76 अंकों के साथ आप टॉप सिक्स का हिस्सा बने। और आप हैं चौधरी शमशेर सिंह अहलावत, बहुत स्वागत और मुबारक आपको भी टॉप सिक्स में पहुंचने के लिए। आपके स्कोर कार्ड पर भी एक नज़र डालते हैं। पहली स्क्रीनिंग में आपको 60 अंक हासिल हुए, छवि और साख में 14 अंक प्राप्त किए आपने, इस तरह से 74 अंक बटोरते हुए आप टॉप सिक्स तक पहुंचे। और इससे पहले कि हम इस सियासी मुकाबले की शुरुआत करें, मैं आपको एक बार फिर से बताना ज़रूरी समझती हूं कि अगर किसी उम्मीदवार की जानकारी गलत पाई जाएगी तो उनसे उनका रिवॉर्ड वापस ले लिया जाएगा, और हम अपने कार्यक्रम एमएलए हो तो ऐसा कि आगे की कड़ी के दौरान उनका खुलासा भी करेंगे। जज साहब, काफ़ी अहम हिस्सा है ये शो का, इसलिए आप इस बारे में ज़रूर बताएं। नामिका, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रतिभागी फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें 10 मापदंड दिए जाते हैं, अगर उस 10 मापदंडों में से कोई भी जानकारी गलत दी गई है, उदाहरण के तौर पे अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और आप उसमें लिखते हैं कि नहीं है, शिक्षा के बारे में, आमदनी के बारे में, पूर्व चुनाव के बारे में, राजनीतिक पद के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपने गलत लिखी तो हम ये मानेंगे कि आप लोग झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति कतई नहीं चलेगी और ये आपकी असफलता का कारण बन जाएंगे। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, अगर उनके पास इस तरह का कोई सबूत है तो चैनल तक भेजें, हम उसकी जांच करेंगे, और यदि जांच में वो सबूत सही पाया गया तो हम आने वाले शो में इस बात का खुलासा करेंगे कि किस प्रतिभागी ने झूठ बोला। मैं ये भी कहना चाहूँगा उन लोगों से जो क्षेत्र में जनप्रतिनिधि खुद को मानते हैं या बनना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। वो इस कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं इसका मतलब कि वो अपने आप को कसौटियों से दूर भाग रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जज साहब आपने। एक बेहतर छवि का उम्मीदवार बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी यही है कि आप में ये मादा हो कि आप जनता का सामना करें। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो चलिए अब मुकाबला शुरू करते हैं और इन टॉप सिक्स उम्मीदवारों को रखते हैं जूरी की कसौटी पर, जिसकी शुरुआत हम करेंगे संबोधन राउंड से। संबोधन राउंड के नियम के मुताबिक हर एक उम्मीदवार 3 मिनट तक जनता को संबोधित करेंगे, जिसके लिए संबोधन के विषय हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अब एक बार फिर अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि इन उम्मीदवारों के संबोधन के दौरान इन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनके हलके की समस्याएं क्या हैं, इनकी हलके और प्रदेश के लिए सोच क्या है, और जनता इनको क्यों चुने। इसके अलावा आपके संबोधन की समय सीमा बताने के लिए जज साहब 3 वार्निंग देंगे। पहली वार्निंग तब मिलेगी जब आपके संबोधन का 1 मिनट बचा होगा, दूसरी वार्निंग बेल 30 सेकेंड पर मिलेगी, और फिर तीसरी वार्निंग बताएगी कि आपका वक्त खत्म हो चुका है। जज साहब, आप जरा इस राउंड के बाकी नियम समझा दीजिए। मैं प्रतिभागियों को कहना चाहूँगा कि आप संबोधन के दौरान या सवाल जवाब के दौरान आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, कोई भी आपका लीडर है, आप उनका नाम नहीं लेंगे। आप चुनाव किस पार्टी से लड़ते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं, इस बात का इस चैनल को और इस शो को कोई लेना देना नहीं है।
ये कार्यक्रम किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर उठकर है। मैं जूरी साहबान से भी कहना चाहूँगा कि जो विषय प्रतिभागियों को दिए गए हैं और जैसा इनको कहा गया है उसी के आधार पर इनकी गुणवत्ता पर ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग तार्किक ढंग से अंक दें। ये राउंड 30 अंकों का राउंड होगा। इसके बाद सवाल जवाब राउंड होगा जिसमें से आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो 50 अंकों का होगा और एक 20 अंक का राउंड और है जो आपके सवाल जवाब और संबोधन के बाद जूरी साहिबान ये तय करेंगे कि आपका व्यक्तित्व और आपकी नेतृत्व क्षमता उसके आधार पर आपको अंक मिलेंगे। इन 100 अंकों में से 55 अंक लेने आपको अनिवार्य हैं। 55 अंक मिलेंगे तभी हम मानेंगे कि आपने ये राउंड क्वालिफाई किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी उम्मीदवार ये समझ गए होंगे कि आपको तीनों विषयों पर विशेष ध्यान देना है कि आपके संबोधन में हलके की समस्याएं, आपका विजन और जनता आपको क्यों चुने, ये सब कुछ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनामिका, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रवीण सहाग जी से। आप तैयार हैं प्रवीण जी? हाँ जी। आपका समय शुरू होता है अब।